दूसरी प्लानिंग, तीसरी डिसीजन, चौथी इंप्लीमेंटेशन, देन सक्सेस। ये पांच चीजें हैं जो मुट्ठी में हर शख्स के लिए। अगर ये पांच, आपकी प्लानिंग अच्छी है, आपके डिसीजन सही है, परफेक्ट है, और आपके स्ट्रगल सही है, मेहनत सही है आपकी, यू कैच द सक्सेस। ये हायर सेकेंडरी एजुकेशन के इस वक्त डायरेक्टर बिलवाकी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे भी पूछते हैं, उनसे भी जानते हैं कि आज जो स्टूडेंट जो यहाँ से अपनी तालीम मैट्रिक कर चुके हैं या तालीम मुकम्मल कर चुके हैं, यहाँ से गए हैं और उनके ख्यालात आए थे, कैसे उनके ख्यालात भी आपने सुने, और यहाँ पर आए देखते हैं कि ये कैसे डायरेक्टर साहब फील करते हैं, कि इनको कैसे महसूस होता है कि जो आज इतने अरसे बाद, यानी कि 20 साल बाद, कोई 15 साल बाद, कोई 25 साल बाद दोबारा इस मदरसे में आए हैं, और कैसा महसूस करते हैं, उनके लिए क्या कलमात कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी मिसाल तो ऐसी है, मेरी और परवेज़ साहब की और मेरे जितने डायरेक्टर्स हैं और दूसरे लोग जो भाई ख्वाह हैं इसके, कि जैसे माली होता है और वो ज़मीन में बीज डाल देता है और जब दरख्त निकलता है तो उनको देख के वो खुश होता है, और जब फल और फूल लग जाते हैं तो जैसे माली को उसकी खुशी उसके खून को बढ़ा देती है, ऐसे इन बच्चों को देख के आज हमारा भी खून अल्लाह ताला ने बढ़ा दिया है और उनको देख के बहुत खुशी है। जब किसी बच्चे को कामयाब देखते हैं कि हम हमारे यहाँ से पढ़ कर गया, इस मदरसे की खिदमत है, इस मदरसे ने उसके साथ बहुत अच्छा किया और उसको आज ज़िंदगी में कामयाबी मिली है, तो उम्मीद है कि वो आगे भी अपनी नस्लों को इस कामयाबी को बढ़ाएगा, तो हमें बड़ी खुशी होती है और बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला एक ऐसा काम ले रहा है, क्योंकि काम तो सभी हैं, मजदूरियां तो सभी कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो तालीम की काम है, तालीम का काम है, पढ़ाने का काम है, ज़िंदगी संवारने का काम है, ये न सिर्फ दुनिया के लिए है बल्कि आखरत के लिए भी है, और ये एक अल्लाह के क़ुर्ब के लिए भी है, तो यकीनन ये बहुत अच्छी काविश है। ऐसे ही हम पहले भी एक आध दफ़ा, माजी में भी हम कई दफ़ा ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन की मीटिंग्स रख चुके हैं, प्रोग्राम कर चुके हैं, अभी हाल में हमने एक डायरेक्टरी भी बनाई है और अभी और इसको ज़्यादा बेहतर फ़रोग देंगे, क्योंकि जितने भी बच्चे यहाँ से गए उन सबको भी मेरा आपके ज़रिए से भी एक रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर गाजी खान साहब से या अशफाक साहब से रब्ता करें और अपना नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर और प्रेजेंट स्टेटस जो भी है, जिस कंपनी में भी हैं या जो भी काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो वो उनको ज़रूर अपना प्रेजेंट स्टेटस बता दें। और इंशाल्लाह अभी हाल में हम अपने इदारे की एक वेबसाइट भी लॉन्च करने वाले हैं, तो इंशाल्लाह उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि एक रूम रख रहे हैं ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन का, ताकि जो भी पुराने बच्चे हैं वो अपनी उसमें राय और वो सब उसमें देते रहें, और वो इस तरह पेज टाइप का बना देंगे उसको, तो बहुत खुशी है। और ये सलमान मिर्जा साहब की वाकई काविश है कि छोटे से शॉर्ट नोटिस पे, मेरे इल्म में तो शायद ये बात हफ्ते के दिन लाए थे कि जी ऐसा एक प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम ज़रूर करें, और मेरी जो भी आइंदा भी अगर ऐसा कोई प्रोग्राम हो तो मैं हाज़िर हूँ उसके लिए, मेरी जो भी मुझसे जो भी हो सकेगा मैं उसमें ज़रूर तावुन करूँगा, दामे दरमे सखने हाजिर में शाम के। जैसे कि आज जो बच्चे यहाँ से मैट्रिक करके गए हैं वो मुख्तलिफ यानी फील्ड्स पर हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई दीगर फील्डों में, तो उसको उनको आप क्या नसीहत करेंगे कि वो अपनी फील्ड में किस तरह लेकर चलें। हमेशा मैं ख़ुद अपने आप को नसीहत करता हूँ, नसीहत तो अपने आप को होती है, दूसरों को नहीं होती। मैं अपने आप को हमेशा नसीहत ये करता हूँ कि जिस रास्ते से तुम आए हो उस रास्ते को साफ़ करो दूसरों के गुजरने के लिए। जहाँ से तुम पढ़ के आज इस मुकाम पर पहुँचे हो उन रास्तों को रोशन करो, ताकि तुम्हारे बाद आने वाली कौम उम्मत मुस्लिमा जो है उसी रास्ते से उनको फैज़ मिल सके। आप देखो अगर एक कुआँ है उसमें पानी है, आप पानी पी के चले जाते हो और उस पानी के उसके बाद उस कुएँ की आप पलट के पूछते नहीं हो, तो वो उसकी मटेर गिर जाएगी, पानी सूख जाएगा, ख़राब होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको वापस पलट के आते हो और उसकी देखभाल करते हो
या उसको उसकी मुंडेर सही करते हो और चीज़ें सही करते हो, और जो दुनिया में तब्दीली आ रही है उसके मुताबिक वहाँ कोई मटका बना देते हो, ग्लास रख देते हो, तो वो और आने वाले लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। तो मैं यही सबसे कहूँगा कि जो लोग यहाँ से गए हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस है, तो वो फिर औरों को भी इस दरसगाह से रोशनास कराएं और इसको दरसगाह को भी अपनी जो भी उनकी फीडबैक है वो ज़रूर दें, ताकि हम भी अपनी इसलाह कर सकें, क्योंकि बेहतरी का जो रूम है वो हर जगह और हर वक्त मौजूद होता है, क्योंकि 100% कोई चीज़ सही नहीं होती है, बेहतरी हर जगह मौजूद होती है, उसकी जगह मौजूद होती है कि इसको और बेहतर कर लें, आप इसको और बेहतर कर लें, आप इसको और बेहतर कर लें। यकीनन यहाँ पर भी बहुत सारी खामियाँ होंगी, जब आप तालिबे इल्म थे तो आप समझते थे, उस वक़्त तो ज़ाहिर आप तालिबे इल्म थे, आपको इतना समझ शायद ना हो, लेकिन आज चूँकि आप सक्सेस हो गए और कामयाब हो गए तो आपके पास बड़ी बड़ी सोच है आपके पास कि जी अगर इसको ऐसा कर लिया है तो यह और ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा, या इसमें यह तब्दीली कर ली जाए। तो ऐसी कोई भी सजेशंस हैं तो उसको मैं और मेरी जो मैनेजमेंट साथ है वो उसको हमेशा वेलकम करेगी और उसमें ज़रूर गौर व फिक्र करेगी, सोच विचार करेंगे और उसको इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश करेंगे।